बरेली के बहेड़ी में बेताब समाचार एक्सप्रेस की महिला पत्रकार अनीता देवी के खिलाफ बहेड़ी पुलिस द्वारा दर्ज किए गए फर्जी मुकदमे की निष्पक्ष जांच के संबंध में पत्रकार सुरक्षा महासमिति के मंडल अध्यक्ष रईस खान के नेतृत्व में जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बहेड़ी पुलिस द्वारा महिला पत्रकार के खिलाफ लिखे गए फर्जी मुकदमे की निष्पक्ष जाँच कराए जाने एवं पीड़िता पत्रकार द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष रईस खान, वरिष्ठ पत्रकार मुस्तकीम मंसूरी, नीरज सक्सेना, नितिन मिश्रा, अवधेश कुमार, वेद प्रकाश, इरशाद आशीष, नाजिश अली, रफ़ी मंसूरी, नाजिम अली, मोहम्मद रफ़ी, फैजान नियामी, आजम खान सहित बड़ी संख्या में पत्रकार संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। ऐसा है, बहेड़ी के महिला पत्रकार हैं अनीता देवी। अनीता देवी के ख़िलाफ़ बहेड़ी पुलिस ने सीओ बहेड़ी के इशारे पर एक फ़र्ज़ी मुकदमा कायम किया है, जिसको लेकर के कल पत्रकार सुरक्षा महासमिति की एक बैठक हुई थी। उसमें ये निर्णय लिया गया था कि आज 18 तारीख को जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा इसकी निष्पक्ष जांच के लिए। दूसरी चीज़ ये, 21 तारीख को जो है लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार और बरेली के वरिष्ठ पत्रकारों का एक डेलीगेशन डीजीपी से मिलेगा और इस पूरे मामले से डीजीपी को अवगत कराएगा। इसके सिलसिले में मुकदमा लिखा गया, ऐसा था कि बहेड़ी में सीओ बहेड़ी के नेतृत्व में थाना शेरगढ़ के दो दरोगाओं के खिलाफ रिश्वत का मामला चल रहा था, जिसको सीओ बहेड़ी दबाए हुए थे। उस मामले में पत्रकार अनीता देवी ने एक ट्वीट किया था, उस ट्वीट के आधार पर हमारे ज़िले के कप्तान ने दोनों दरोगाओं को सस्पेंड कर दिया। यही कारण है कि अनीता देवी से सीओ सख्त नाराज़ थे और उन्होंने ये मुकदमा उसके ख़िलाफ़ कायम करा दिया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नज़र हर खबर पर।